नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASR SSC गुरु। बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम दोस्तों 6 फरवरी से चल रहा है, तो 8 तारीख को जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम यहां पे आपको आंसर की प्रोवाइड कराने वाले हैं। सेट ए की यहां पे बात कर रहे हैं, तो सारा का सारा जितना सेट है सब में क्वेश्चन सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर को यहाँ पर बदल लिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पूरा आपको बारीकी से बताएंगे, काफ़ी मेहनत लगा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप ईमानदारी पूर्वक अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डॉट लगता है तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हो सकता है हमसे भी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कमेंट में बताइएगा जो भी क्वेश्चन पे आपको डॉट लगेगा, तो लेकिन पूरी सावधानी बरती गई है इस पूरे आंसर की को बनाने में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, उससे पहले आपको बताना चाहेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो, क्योंकि एक एक लाइक से आपके पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो भी आपका एग्जाम होगा उसका हम दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करेंगे वीडियो के माध्यम से। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे सेट ए का ये आपका ऑफिशियली आंसर की है, इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करके बताएंगे कैसे किसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे सेट ए का अगर हम बात करें तो पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी, पाँचवा का बी, इस तरह से आपका यहाँ पर मैंने आपके लिए बनाया, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है उसका सॉल्व करके आंसर क्या कुछ आएगा नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको सबसे पहला क्वेश्चन बताते हैं, जो पहला क्वेश्चन आपका आया था उसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन था द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका क्या होगा क्वेश्चन, ये आपसे सवाल पूछा गया था। दोस्तों सबसे पहला जो सवाल होगा सेट ए का, उसका यहाँ पे अगर आंसर की हम बात करें तो इसका जो आंसर की होगा दोस्तों पहला क्वेश्चन का आपका ए होगा। यहाँ पे कूलम बटे मीटर स्क्वायर आप अपना राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं, अगर आपने ये किया होगा तो फिर आपका यहाँ पे एक नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हम सेट ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर एक सेट में आपका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर को बदल लिया गया है। तो यहाँ पे हम सेट ए की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका सेट ए है तो डायरेक्टली वन का ए आप यहाँ पे आंसर क्लिक कर सकते हैं, तो अगर आपका नहीं है तो फिर आप यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला जो प्रश्न है उसको खोजिएगा अपने सेट में, और उसका आंसर आप कूलम बटे मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू बटे ई जीरो। ठीक है, आप यहाँ पे इसको राइट आंसर दूसरा का बी बोल सकते हैं, दूसरा का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रश्न को फाइंड कीजिएगा, जो भी आपका सेट में यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा तो उसको उसमें आपको फाइंड कर लेना है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर क्यू प्लस आवेश रख दिया जाए तो इसका आंसर आपको करना क्या है, तो क्यू बटा ई जीरो, इसको आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा का बी हो जाएगा, सेट ए अगर आपका है तो ईजिली आप का भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि 10 प्लस यू सी और उसके बाद यहाँ पे माइनस आपका ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो बिंदु आवेश में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो ये आपका जो तीसरा सवाल था, इस तरह का जो आपका सवाल आया होगा जो सेट में, तो इसका जो तीसरा सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी, -2.2J। यहाँ पे आप -2.2J आप इसको राइट आंसर क्लिक कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था विद्युत विद्युत की निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्विलेटरल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डायपोल इज, ये आपसे सवाल पूछा गया था। दोस्तों जब भी कुछ ऐसा आपके पास सवाल पूछा जाए तो यहाँ पे देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आपके लिए प्रोवाइड कराया गया दोस्तों, क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसका जो चौथा का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शून्य, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को फाइंड कीजिएगा और इसका राइट आंसर डी क्लिक कीजिएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था दोस्तों कि यदि 100 वोल्ट का आवेशित करने पर, ठीक है, हम पांचवा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र मतलब एक तरह से जब भी कुछ ऐसा प्रश्न आपको अपने सेट में देखने को मिले तो इसका राइट आंसर क्लिक कीजिएगा दोस्तों क्या, तो बी, यानी कि 2×10⁻⁴F। ठीक है, यहाँ पे आप अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसका दूसरा का बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, तो छठे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो छठा प्रश्न आपका है क्या, आपको फाइंड भी
करना किसी और सेट में, तो स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, मतलब उसका प्रतिरोध हाफ कर दिया जाए विद्युत परिपथ पर, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो छठा का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों कभी भी ऐसा सवाल आपके पास आए तो इसका 2 times हो जाता है, तो यहाँ पर आप 2 times हो जाएगा, तो आप इसको राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में भी प्रश्न आपके लिए है, एट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हैव द वैल्यू ऑफ हीट, ठीक है, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, ओके। उसके बाद 7th प्रश्न की हम बात करते हैं, तो आपका जो 7th प्रश्न था वो था आपका 60W तथा 40W को 2 bulbs है, मतलब ठीक है। उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनको सम्मिलित शक्ति होगी, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो 7th का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, 24 watt, यहाँ पे आप राइट आंसर में क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका 8th का जो सवाल है वो क्या है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो देखो विद्युत परिपथ की शक्ति होता है दोस्तों V²/R, एक क्लास 10th का भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 8th का सी हो जाएगा। उसके बाद 9th प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, तो 9th प्रश्न आपसे पूछा गया था आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श मीटर यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज, ये आपसे पूछा गया था। तो 9th का यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा 0, यानी कि आप यहाँ पे 0 आप अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। 10th जो क्वेश्चन आपका आया था वो क्या आया था, तो 10th क्वेश्चन आपका आया था एक तार में 1 ampere धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6×10⁻⁹ कूलम हो तो प्रति सेकेंड की दर से, इस तरह से पूछा गया था। तो ये प्रश्न को आप अपने सेट में फाइंड कीजिएगा, और 10th का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 6.25×10⁸। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप इसका राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों बी, ठीक है, 10th का बी हो जाएगा, ओके। तो ये प्रश्न सबसे पहले फाइंड कीजिएगा आप, और उसके बाद इसका आंसर यहाँ पे 6.25 कीजिएगा × 10⁸, तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो 11th क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, तो चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, वेक्टर बी में अवस्थित जो एम चुंबकीय घूमने वाला धारा है, तो ये आपका सवाल, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा 11th का A, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसका राइट आंसर 11th का A क्लिक कर सकते हैं, पाई वेक्टर बराबर यहाँ पे एम वेक्टर इनटू में दोस्तों बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद इसका ए, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को फाइंड कीजिएगा, अगर आपका ये सेट में नहीं होगा यहाँ पे क्वेश्चन, तो जो भी सेट में होगा इसका आंसर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोला गया था क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था वो आया था अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होता है दोस्तों, तो 12 यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, यानी कि स्थिर, ये आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 12 A मार सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, स्थिर होता है। तो ये प्रश्न आप कोई भी शॉर्ट मतलब कोई भी जो आपका शिफ्ट होगा वहाँ पर फाइंड करके इसका आंसर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किसके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 13th जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, विद्युत चुंबक के प्रेरण पर, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए थे लेकिन इसका राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप इस प्रश्न को खोज करके अपने वहाँ पर उत्तर में विद्युत चुंबक के प्रेरण पर आप ये इसको क्लिक कर दीजिएगा, ओके। आपका जो नेक्स्ट सवाल था 14th वो क्या बोल रहा था, तो यदि किसी उच्चताई ट्रांसफर के प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो उसका राइट आंसर क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। ये दोस्तों आपका सवाल बोला गया, तो सबसे पहले इस सवाल को आपका जो भी सेट होगा उसमें फाइंड कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा N2 यहाँ पे N1, मतलब कि N2 जो है वो बड़ा होगा N1 से, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको फाइंड कीजिएगा, तो 14 का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, और फिर आप वहाँ पे अपना आंसर क्लिक करके देखिएगा, और आपको कितना मार्क्स आ रहा है ये ज़रूर बताइएगा ये सब सही करने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपका 15th सवाल बोल रहा था कि L-R परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, ये आपसे सवाल बोल रहा था, ठीक है। तो 15th का सवाल का राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, कन्फर्म हो जाइए, यही आपका यहाँ पर आंसर होगा R/√R²+W²L², ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी। तो ये आपका जो भी प्रश्न होगा उसमें आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा था, तो आपका परिवर्तित धारा परिपथ में धारा एक वोल्टेज के बीच, ठीक है, कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक पूछ रहा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1 sin φ। इसको आप याद कर लीजिए, I sin φ या 1 sin φ, जैसे भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको डायरेक्टली आप यहाँ पर अपना आंसर क्लिक कर दीजिएगा जब ऐसा प्रश्न आप फाइंड कर लीजिएगा अपने सेट में, तो और वैसे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो 16 का C। ओके, उसके बाद आपका अगला सवाल आपसे पूछा गया था क्या, 17 नंबर, वो पूछा गया था प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो 17 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1/√2, यानी कि 1/√2, इसको 1:√2 भी आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कभी हो सकता है आपका रेशियो में पूछ दिया जाए, तो ये आपका वैसे इसका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा इसका 1/√2, ठीक है, बी 17 नंबर का। ये प्रश्न फाइंड कर लीजिएगा अपना सेट में, उसके बाद आप यहाँ पे अपना आंसर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद आपका अगला सवाल आपसे पूछा गया था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति N हो, तो ये आपसे सवाल पूछा गया था कि चार के पास ऑप्शन दिए गए थे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 18 का दोस्तों D हो जाएगा, N2 यहाँ पे समानुपाती होगा 1/BH का, तो ये आप यहाँ पे क्लिक करके अपना आंसर क्लिक कर सकते थे, ठीक है। तो मतलब कि आपका दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब डी 18 नंबर का, ठीक है। तो ये प्रश्न फाइंड कर लीजिएगा, फिर उसका आंसर आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिएगा, मतलब आपका फिर उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा कितना मार्क्स आपका आ रहा नहीं रहा, सब कुछ बताना है दोस्तों आपको नीचे कमेंट करके, ताकि पता चल पाएगा आपने कितना सही किया है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था 19 नंबर, वो था पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो चुंबकीय कोण का जो मान होता है, नमन कोण का, वो आपका 90 डिग्री होता है, तो आप इसको यहाँ पे 90 डिग्री क्लिक कर सकते थे। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ इज, ठीक है, मैग्नेटिक डाइप पोल, मतलब कि आप इसको याद कर लीजिए, मैग्नेटिक पोल पे जो आपका वैल्यू होता है, मतलब नमन कोण का, वो आपका 90 डिग्री होता है। उसके बाद यहाँ पे 19 का सी हो गया। तो आपका अगला 20 का सवाल पूछा गया था, वो क्या पूछा गया था, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, यह आपसे सवाल पूछा गया था। तो 20 नंबर का यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों डी, ई वैक्टर मल्टीप्लाई बी वैक्टर समांतर होता है, तो आप यहाँ पे आंसर क्लिक कर सकते हैं 20 का डी। ओके, नेक्स्ट सवाल आपका पूछा गया था 20 का डी, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था कि एक उत्तल लेंस N=1.5 को पानी, ठीक है, उसके बाद N=1.33 में डुबाया जाता है, तो यह व्यवहार करता है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। 21 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आप सारी लेंस की तरह, तो आप सारी लेंस आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आप अपना राइट आंसर क्लिक कर सकते थे, आप सारी लेंस की तरह, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल आपसे पूछा गया था दोस्तों 22 नंबर क्या था, निम्नलिखित में से किस अपतनांक में सबसे अधिक होता है, ठीक है, अपतनांक सबसे ज़्यादा किस में हो जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो 22 नंबर का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लास 10th में भी आपने ये पढ़ा होगा, हीरे का अपतनांक सबसे अधिक होता है, तो अपतनांक सबसे ज़्यादा किस में होता है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे हीरा में होता है, तो आप इसका राइट आंसर क्लिक कर सकते थे, ठीक है, कि डायमंड। ओके, 22 नंबर का आपका डी हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप फाइंड कर लीजिएगा अपने सेट में, उसके बाद फिर यहाँ पे आप अपना आंसर भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 23 जो क्वेश्चन, मतलब एक तरह से 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो लेंस की क्षमता दिया गया था, -15 डायोप्टर एक +5 डायोप्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपको पूछा गया था कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, मतलब फोकस दूरी क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 23 नंबर का बी, -10 सेंटीमीटर। ओके, तो आप ये प्रश्न को फाइंड करके यहाँ पे अपना आंसर सही कर सकते थे, ठीक है। तो उसके बाद आपका अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि सामान्य समायोजन के लिए एक खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता क्या होता है, ये आपसे सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ए हो जाएगा, -F0/FE, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि 24 का ए, और यहाँ पर देख सकते हैं -F0 याद रखिएगा, अपॉन में FE, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद आपका अगला सवाल पूछा गया था कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है क्या, मतलब
आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था दोस्तों यहाँ पे, कि जो एक बेलनाकार लेंस होता है उसका प्रयोग किया था आँख के किस दोष को दूर करने के लिए, तो आगे पास चार ऑप्शन दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एस्टिगमेटिज्म, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मतलब सी। इसमें आपको नहीं यहाँ पे दोस्तों फंसना है जैसे निकट दृष्टि दोस्तों ये सब, तो यहाँ पे दोस्तों बेलनाकार लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है, अवतल और उत्तल का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए सबसे पहले ये दोनों जितना ऑप्शन इसको काट दीजिएगा, और यहाँ पे एक इसमें कन्फ्यूजन हो रहा आपको, लेकिन ये भी आपका नहीं होगा, आपका सी आंसर राइट होगा ठीक है, 25 का सी। तो इस प्रश्न को फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे अपना आंसर सही कर दीजिएगा ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपसे 26 नंबर पूछा गया था कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के रंग का कारण पूछा गया था ठीक है, प्रकाश के रंग का क्या कारण है, तो प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो यहाँ पे इसकी आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी के कारण ही जो इसका लाइट है वो आपको कलर में दिखाई देता है ठीक है। 27 नंबर आपका सवाल बोला गया था एन अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन क्या होता है, ये आपसे सवाल पूछा गया। 27 नंबर का सवाल का यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों एन माइनस वन इंटू में ए, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी। आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा और यहाँ पे इसको याद रखिएगा, आपका एन माइनस वन इंटू में ए होगा दोस्तों, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ए ठीक है, ए एन माइनस ए, इस तरह भी आपको ऑप्शन ये देखने को मिल सकता था, लेकिन आप इसको यहाँ पे आपको कॉमन निकाल के दिया गया है, तो आप इसको यहाँ पे एन माइनस वन इंटू में ए कर सकते हैं ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ओके। उसके बाद आपका 28 नंबर जो सवाल बोल रहा था 29 नंबर, तो ये सवाल आप गूगल कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए एक तरह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको गूगल कर लीजिएगा आपको पता चल पाएगा। देखना चाहते हैं आप लास्ट तक वीडियो को देखे हैं या नहीं देखे तो आप कमेंट कीजिएगा नीचे। और आपका 28 नंबर बोलता है किसी बिंदुत्व स्रोत के परिमिति द्वारा तरंग ग्राम पूछा गया था ठीक है, तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का हो जाएगा गोलाकार होता है मतलब स्फेरिकल होता है, द वेव फ्रंट ड्यू टू द पॉइंट ऑफ सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज तो स्फेरिकल ठीक है ओके। तो दोस्तों अगर आपको और भी इसी तरह का वीडियो चाहिए और पूरा कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको पूरा कंप्लीटली सोल्यूशन करके प्रोवाइड करा देंगे, और आने वाला जितना भी बिहार बोर्ड का आपका यहाँ पे प्रश्न होगा उसका ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जब भी कुछ वैसा वीडियो आपके लेकर आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।